आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ईद मिलन समारोह में दिया गया हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज बाजार में शुक्रवार को जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में जमात इस्लामी द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया। सभा की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद मोहसिन साहब ने कहा कि आज की इस नफरत भरे दौर में जरूरत है हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक साथ मिलकर रहने की। बिलरियागंज बाजार का सदियों से इतिहास रहा है कि यहाँ एक पीस कमेटी है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मेंबर हैं। दशहरा दीपावली के अवसर पर मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों की मेले में वॉलंटियर का काम करते हैं, तो ईद बकरीद के मौके पर हिंदू भाई वॉलंटियर का काम करते हैं। इस मौके पर स्थानीय चेयरमैन वीरेंद्र विश्वकर्मा, अंबिका प्रजापति, बीरबल प्रजापति, अरविंद गुप्ता, गोरख प्रसाद, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, मास्टर साहब अहमद मुंशी अनवर आदि लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर अपने विचार प्रकट किए। समारोह में संदीप चौरसिया, बिंदु गुप्ता, शहादुर प्रजापति, ताड़क मधेसिया, मुन्ना गुप्ता, आनंद गुप्ता आदि सम्मानित लोग मौजूद थे। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दे करके जलसे को कामयाब बनाए, इसी के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जलसे का प्रोग्राम जी, इसी के साथ इस प्रोग्राम के प्रचार का ऐलान हो रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग तशरीफ लाए, खुशी शुक्रिया के मुस्तहिक ग्रामीण वतन है, ये हमारे अतिथि हैं जिनके लिए खुसूसन ये ईद का प्रोग्राम, ईद का कार्यक्रम हर साल जहाँ इस्लामी की तरफ से आयोजित किया जाता है। आप बहुत ज़्यादा शुक्र के मुस्तहिक हैं और हम कामना करते हैं कि इसी तरीके से आइंदा भी इसको मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और ये मामला यहीं तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये प्यार, ये मोहब्बत, ये स्नेह की बातें जो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं अपने अमल के जरिए से, अपने कैरेक्टर के जरिए से, इसको हम हर जगह इजहार करेंगे और लोगों के दरमियान इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामान जमात इस्लामी के तरफ से आयोजित ईद मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय सदर साहब मंचा सिंह, आदरणीय सम्मानित जमात इस्लाम हिंद के पदाधिकारी का उपस्थित, नगर पंचायत बिलरियागंज एवं आसपास के सम्मानित नागरिकगण, आज हम लोग इस ईद मिलन समारोह में बात की कि हम एक महीना का रोजा रखकर जो खुदा ईश्वर की मेहरबानी से और उसकी तौफीक से कितने सख्त दिन में 14-15 घंटा का रोजा रखकर दिया والسلام على رسوله الكريم محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگوں, ہندو مسلمان پیارے بھائیوں, ساری تعریف اللہ کے لیے, उस ईश्वर और खुदा के लिए जो इस पूरी कायनात पर, इस जमीन और आसमान का, सूरज चांद का, हमारा आपका सबका बनाने वाला है। वो हमारा परवरदिगार है, हमारा पालनहार है। उसकी जितनी भी जितना भी उनका गुण गाया जाए कम, मेरे भाई और दोस्तों, ये उसी का करम, उसी की मेहरबानी है कि उसने हमको आज
एक साथ बैठने का मौका आया अवसर दिया ताकि हम आपस में बैठ कर एक दूसरे के ख्याल को सुने कौन से मुफी अच्छी बातें हैं उन्हें हरी आपको समझ कर अपनाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए आपस में मिलकर मसावात भाईचारा मेल मिलाप अमन शांति प्यार मोहब्बत का वातावरण का जरिए बने। इस एक मिनट के कार्यक्रम से जिलेरिया नगर की तरफ से हमारे मुंशी अनवर शाह और सदर जमाते इस्लाम साहब, हमारे अपने मोहसिन भैया, हमारे श्री वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, अपने रोशन लाल जी के किसी का कम गम होता है उसके गम में गमी का दिखना चाहिए। हम लोग रास्ते में जाते हैं तो कभी भी मैयत के समय किसी का शव दिखता है तो दिल से प्रणाम करते हैं, और किसी का भी हो और उस समय का हम भी याद करते हैं कि यहाँ से हमको भी जाना है, इसी तरह जैसे सभी लोग जा रहे हैं। तो मेरा अपना विशेष आग्रह है इस समाज के लिए कि समाज रहेगा तो हम रहेंगे, धर्म रहेगा तभी हम रहेंगे, मानवता से काम करने वाले टीम रहेगी तभी हम रहेंगे, नहीं तो हम रह करके भी नहीं रहेंगे। हजारों हजारों साल से जो लोग सत्ता पर काबिज हैं वही कहते हैं कि आप मेहनत करते जाइए ईश्वर इसका फल देगा। अरे मजा तो मलाई तो तुम काट रहे हो, हमको क्या मिल रहा है? हाँ जरा हमको भी 10 साल दे दो मलैया, तब तुम खाओ देखा जाएगा। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है, हजारों साल से काबिज ये हमारे मुल्क को बिगाड़ने वाला ईरानी, ईरानी माने ईरान, ईरानी का ब्राह्मण ही हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया, आज भी करते चले जा रहे हैं। चाहे वो राजा बल की हत्या किया हो, चाहे बाड़ा सूर को मारा हो, यानी तमाम योद्धाओं को इन्होंने परेशान करके मारा है, और अपनी पहचान के लिए कि हमारी सेना न मर जाए गले में एक धागा बांध दिया कि हमारी पहचान बन गई। तो मित्रों मैं अब मुख्य बिंदु की ओर आ रहा हूँ। हमारा उद्देश्य, मनुष्य का उद्देश्य होता है कि हम आपस में भाईचारा, कौमी एकता, कौमी यकजहती बना करके हम रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हमारे मुल्क में यही वजह है कि प्रेम मोहब्बत नहीं था, नफरत की दीवार खड़ी थी, इसलिए कभी होर आया, कहीं मंगोल आया, तो कहीं ईरान से लोग आए, कभी यूनान से लोग आए, ये आक्रमणकारियों की धरती रह गई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।